प्रीति और सूरज जी शादी कर लिए हैं मंदिर में। पता नहीं सबका क्या मजबूरी था कि मतलब ऐसा शादी करना पड़ा। ताली बजावा तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ पर होंगे एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग देख सकते हो, कुहेसा से पूरा एकदम दिख नहीं रहा दूर दूर तक। और हम यहाँ पर खड़े होके ब्लॉग बना रहे हैं, बगल में मेरे पीछे बाग है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों, हम आपसे बात कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग YouTube पर देखे होंगे कि जो प्रीति दीदी के साथ में मैं वीडियो बनाता था, दोस्तों उनकी शादी हो गई। और दोस्तों, वो लोग अचानक से शादी कर लिए मंदिर में, प्रीति और सूरज, जो कि दोनों लोग साथ में रहते थे। फिर पता ना क्या आया उनके बीच और वो लोग आपस में शादी कर लिए दोस्तों। और इनको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, आप लोग को हम बताएंगे। और दोस्तों, शायद उनके बीच में कोई मजबूरी थी या फिर कोई। तो दोस्तों, सूरज के घर घर वाले पूरे सब लोग राजी थे, उनके मम्मी पापा सब लोग राजी थे और दीदी के भी घर के सब लोग राजी थे। और इनके बीच ऐसा क्या आया कि इन लोगों को अचानक से मंदिर में शादी करना पड़ गया दोस्तों? आप लोग उनके चैनल पे वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, हमको दोस्तों अच्छा नहीं लगा देख के, क्योंकि दोस्तों धूमधाम से शादी होने वाला था और ये लोग अचानक में शादी कर लिए। और दोस्तों, आप लोग ही बताइए, इन लोग को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, आप लोग राय दीजिए, हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों, हम आप लोग से ये बताना चाहते हैं, और इन लोगों को शादी क्यों करना पड़ा अचानक में, ये तो हमको भी नहीं पता है। और अब वही लोग जानेंगे कि उनके बीच में ऐसा क्या आया कि वो लोग मंदिर में जाके शादी कर लिए दोस्तों। और पता नहीं क्यों, और किसी को बताई भी नहीं कि हम शादी करने जा रहे हैं दोस्तों। घर से घर अभी वो नहीं है, ना कि सूरज घर हैं, वो लोग अभी इतनी टाइम है खलीलाबाद दोस्तों, खलीलाबाद हैं। और जगह का नाम नहीं पता है और मंदिर का नाम नहीं पता है कि ये मंदिर कहाँ का है। और दोस्तों, वहीं पर लोग शादी कर लिए हैं। आप लोग को हम थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे शादी का, आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। आपको लोग को चलिए पहले थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, आप लोग को पता ही चल गया होगा वीडियो के माध्यम से कहीं से कहीं। दोस्तों, हम अपना वीडियो डाल रहे हैं, अभी फ़ोन आया था मेरे घर से, मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ हो गई है, रो रही है। और जितना मैं पैसा दी थी, सारा पैसा मुझे रिटर्न कर दिया दोस्तों। मेरी मम्मी समझ जरा से भी नो नहीं था शादी करने का, पर हम लोग कर लिए, क्यों से ऐसे कुछ बात हुआ इसीलिए हम लोग कर लिए। जरा से भी मन नहीं था, पर हमारी मम्मी समझ नहीं रही है कि अरे गाँव समाज क्या बोलेगा, गांव समाज क्या बोलेगा। हमको भी पता है, हम कोई कुछ गलत नहीं किया, कोई गैर लड़की के साथ तो नहीं कि गांव समाज सब देख रहा है। मैं किसके साथ वीडियो बना रही थी, किसके साथ थी, 1 साल से 2 साल होने वाला, तो सब लोग जान रहे हैं हम उसी से शादी करेंगे। तो ऐसे ही मंदिर में कर लिए शादी, तो कोई गलत तो नहीं किया दोस्तों। पर हमारी मम्मी नहीं समझ रही इस सिचुएशन को, बहुत गाली दे रही है, सारा पैसा रिटर्न कर रही है, कह रही मेरे घर कभी नहीं आना। बहुत तकलीफ़ हो रहा दिल को, मम्मी गुस्सा हो गई है मेरी। मैं आई थी खलीलाबाद, पर यहाँ रहने का वो नहीं था, इसके वजह से हम लोग सोचे क्या करें। और सूरज के घर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था, सूरज के घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था और इनका इनकी। तो दोस्तों, आप लोग शादी का क्लिप देख लिए थोड़ा सा। दोस्तों, अब यही लोग जानेंगे कि इनके बीच में ऐसा क्या आया कि इन लोगों ने अचानक से शादी कर लिया। और दोस्तों, हम तो देखें वीडियो, हम यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि दीदी ऐसा वीडियो बहुत यूट्यूब पर डाली हैं कि मतलब लव स्टोरी वाला, और ऐसा वीडियो बनाती थी ये, पहले सेनूर नहीं था, अबीर लगा के वीडियो बनाती थी और बोलती थी दोस्तों हमारा शादी हो गया। फिर बाद में बता देती कि दोस्तों ये
अवीर है। फिर उसके बाद दोस्तों अचानक से पता नहीं क्यों उनको शादी करना पड़ गया। हम तो दोस्तों रियल नहीं मान रहे थे, लेकिन हम उनसे फ़ोन करके पूछे तो वो बताई हैं कि हाँ सच में शादी कर लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग को फिर से थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे दीदी का कि उनको शादी क्यों करना पड़ा, उसमें बता रही हैं। अब मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।